वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्रेजी फॉर टेक में। जनरली लोगों के दो से ज़्यादा जीमेल अकाउंट्स होते हैं, तो आज हम ये देखेंगे कि मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स में हम एक साथ कैसे लॉगिन कर सकते हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप पहले अपना जीमेल पे जाइए, जीमेल को लॉगिन कीजिए, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए। जैसे मैं एक अपना जो टेस्ट के लिए मैंने जो जीमेल बनाया हुआ है, मैं उसमें लॉगिन कर रहा हूँ अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। बस अब मैंने लॉगिन कर लिया है। आफ्टर दैट, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, आपको राइट हैंड साइड में जाना है जहाँ पर जो आइकन होता है नेम का, वहाँ पे नीचे ऐड अकाउंट करके ऑप्शन होता है। आप ऐड अकाउंट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐड अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप अपना जो दूसरा जीमेल का आईडी है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेरे जो दूसरा और जो टेस्ट के लिए मैंने बनाया हुआ है उसके से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए, मैंने लॉगिन कर लिया है। दोबारा आप राइट हैंड साइड में जाइए और ऐड अकाउंट पर जाइए। यहाँ पे आपको दोनों अकाउंट दिख रहे हैं और मैं ऐड अकाउंट में जाकर मेरा तीसरा भी कर सकता हूँ। अनुदर जो मेरा जीमेल का आईडी पासवर्ड है उससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। इस तरह से हम हमारे कितने भी जीमेल के हैं उनसे हम एक साथ लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग है। हम उस पर क्लिक करके उन पर जाके हम उसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, पूरा वर्क कर सकते हैं। अगर हम साइन आउट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो एक साथ तीनों अकाउंट से साइमल्टेनियसली वो लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों से साइन आउट हो गया है। आपको अगर किसी पे भी लॉगिन करना है तो एक पे क्लिक कीजिए, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, तो वो लॉगिन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।